बेटे हमारे टॉपिक का नाम है, जो हमारी सेकंड बुक है बेटे, पार्टनरशिप के बाद जो हमारी नेक्स्ट बुक है बेटे, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बेटे आप ध्यान से सुनो, कंपनी अकाउंट्स में हमारे पास तीन चैप्टर है। कंपनी अकाउंट्स में हमारे पास बेटा तीन चैप्टर हैं जिसको हम पढ़ा करते थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। बेटे हमारा सेकंड चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और हमारा थर्ड चैप्टर होता था बेटे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन इस साल आपके सिलेबस में बच्चों, इस साल बच्चों आपके सिलेबस में ये वाला चैप्टर नहीं है। डिलीटेड है ये चैप्टर इस साल, डिलीटेड फॉर सेशन 2020-21। तो इस साल हमें ये दोनों चैप्टर्स करने हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में बेटे 11-13 मार्क्स के लिए आता है, 11 से 13, ये यूनिट 11-13 मार्क्स के लिए आती है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें बेटे 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है या आने आना है बेटे। 8 मार्क्स आपके लिए फिक्स है बेटे, आने ही आना है। और ये आना भी कहां से है, इश्यू ऑफ शेयर्स। उसके बाद बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है हमारे पास यहां पे, और ये भी कंफर्म है कि 1 मार्क के लिए यहां पर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आएगा। ठीक, अब इसकी वेटेज जो है वो 11-13, 11-14 मार्क्स के अंदर घूमती रहती है बेटे, इस तरीके से वेटेज इसकी घूमती रहती है। ठीक, आगे हम अपना चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। कंपनी अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताऊंगा कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, लेकिन कंपनी अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती है। आप लोगों को अपने माइंड को यूज करना पड़ेगा, किस बात के लिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको उस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट या रिवेल्यूशन अकाउंट की तरह हमने कोई रूल सीखा है और हमारे सारे क्वेश्चन में रिवेल्यूशन अकाउंट उसी रूल से बनता जा रहा है। यहाँ पर हम आपको कंपनी के बहुत सारे प्रोविजंस लिखवाएंगे, उनको डिटेल में पढ़ाएंगे, और फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग उन प्रोविजंस के आधार पर की जाती है। जिस स्टूडेंट को सारे प्रोविजंस अपने माइंड में लर्न है, जिसको कंपनी अकाउंट्स के सारे प्रोविजंस अपने माइंड में लर्न है बेटे, सारे बच्चों ने उसको लर्न किया हुआ, उसके लिए ये बुक बहुत आसान होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स इन प्रोविजंस को लर्न नहीं कर पाएंगे, जो स्टूडेंट्स इन प्रोविजन को नहीं लर्न करेंगे, नहीं समझेंगे, उनके लिए बुक बहुत खराब हो जाएगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे प्रोविजंस एक आसान भाषा में लिखवाता जाऊं, समझाता जाऊं, डायग्रामेटिकली भी बातों को बताऊं, लेकिन अल्टीमेटली टीचर का एक लिमिटेड रोल है। मैक्सिमम रोल मार्क्स को लाने में और पढ़ाई को करने में स्टूडेंट का है, टीचर का एक बहुत लिमिटेड रोल होता है बेटे। टीचर आपको मोटिवेट करता है, टीचर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, टीचर आपके डाउट्स क्लियर करता है, लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ती है बेटे। तो अगर हम ये बोलें कि अगर कोई स्टूडेंट
100 मार्क्स के लिए जाना चाहता है, तो बेटे वहां पे टीचर का रोल 40% और 60% रोल स्टूडेंट का है, कि स्टूडेंट वहां पे सेल्फ स्टडी कितनी कर रहा है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो मार्क्स कभी नहीं आएंगे बेटे। तो सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस को खुद नहीं बनाएंगे, आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को लर्न नहीं करेंगे, आप बेटे आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चलें बेटे। देखिए बाबा, बेटे आपने अपने बचपन में बीएसटी में एक चैप्टर पढ़ा था जिसको कहा गया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जी सर, हमने पढ़ा बेटे। यहां पे आपने बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स को देखा था, बिजनेस के अलग अलग प्रकार में आप लोगों ने बात किया था। जी सर, हमने बात की बेटे। आप लोगों ने जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस देखी थी उसको कहा गया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे बिजनेस को रन करने के लिए आपके सामने एक ही पर्सन होता था, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस को रन कर रहा है, अकेले अपने बिजनेस को रन कर रहा। फिर आपने वहां पे सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस देखी जिसको कहा गया पार्टनरशिप, जहां पर कम से कम दो लोग, मिनिमम दो पार्टनर इस बिजनेस को करेंगे, कम से कम दो लोग वो मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो मिलकर इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम कर रहे। बेटे ये आपने अपने बचपन में इसकी अकाउंटिंग सीख ली थी, प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपने अपने बचपन में सीखा था, और आप ये अपनी 11वीं क्लास के बचपन में सीख आए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जी सर, हम ये सीख कर आए थे। और पार्टनरशिप आप लोगों ने 12वीं में सीखी है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आपने अभी अपनी 12वीं क्लास में सीखी है और बच्चों ने वहां पर सीख लिया किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो कैसे अकाउंटिंग होगी, और अगर फर्म ही बंद हो जाएगी तो हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ये आप लोगों ने सीखा। जी सर, यानी सर हमने अभी तक पार्टनरशिप में जो आपने पढ़ाया हमने वो सारी बातें सीख ली बेटे। ये हमारे पास पहली टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। बेटे इन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर, इन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ लैकिंग है, जिसकी वजह से हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ गए हैं। हम थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ गए हैं जिसको आप लोग कंपनी कहते हैं, लेकिन वहां तक जाने से पहले बहुत सारी बातें आपसे करूंगा, फिर हम कंपनी में जाते हैं। जो जो बातें मैंने अभी आपको बोली इसको मैं पहले थोड़ा आपको लिखवाता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। इनिशियल, और आप साथ साथ नोट्स को बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। इनिशियल, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस, डायमेंशंस
बीइंग स्मॉल, इट वॉज पॉसिबल टू मैनेज इट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस based on sole proprietorship or partnership. Initially, business ki dimension small thi. लार्ज स्केल में नहीं थी, स्मॉल स्केल में बिजनेस हो रहे थे, जिसकी वजह से ये पॉसिबल था कि आप उस बिजनेस को मैनेज कर पाते थे इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, however, with the passage of time, it became clear that these two types of business organizations had such shortcomings, matlab kamiyan, which made them unsuitable for managing business. At a large scale. कहने का मतलब, जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ गया, पैसेज ऑफ टाइम हुआ, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि ये दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कमियां हैं. अगर हम अपने बिजनेस को लार्ज स्केल में करना चाहते हैं, हम स्मॉल स्केल की बात नहीं कर रहे, हम लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को लार्ज स्केल में करना चाहते हैं तो वहां पर ये दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस सुटेबल नहीं है. सर लार्ज स्केल का क्या मतलब है? बेटे लार्ज स्केल का मतलब मैं आपसे बात करूं, आप कहते हैं कि सर हम लोग ना कहीं पर किसी भी जगह पर जाकर रिसर्च करेंगे और वहां से तेल निकालेंगे, ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सर हम लोग ना इंडिया में दौड़ने वाली रेलगाड़ियों के डब्बे बनाएंगे, हम रेलगाड़ियों के डब्बे मैन्युफैक्चर करेंगे, हम गाड़ियां बनाएंगे. सर हम लोग, हम एक ऐसी कंपनी खोलेंगे जो इंडिया में गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेंगे, कार मैन्युफैक्चर करेंगे. तो बेटे वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस नहीं होते हैं, वो एक लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं, जिसके लिए आपको बेटे काफी पूंजी की जरूरत पड़ती है. पूंजी का मतलब हो गया कैपिटल, आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होगी. बेटे वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की आपको जरूरत है, वो कोई भी इंडिविजुअल या दो या तीन या चार या पांच लोग मिलकर उस पूंजी को इकट्ठा नहीं कर सकते. तो ये हमें क्लियर हुआ कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल की तरफ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल के अंदर आएगी, बेटे आपके लिए
आपके लिए पूंजी को कलेक्ट करना, पूंजी को इकट्ठा करना और उस बिजनेस को चलाना इन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस में मुमकिन नहीं होगा। तो सर ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपको किसी थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब बात यहां पर आती है कि सर वो तीन चीजें कौन सी हैं, वो तीन चीजें कौन सी हैं, वो चार चीजें कौन सी हैं जो इस बात के लिए हमें एग्री करेंगी, जो इस बात को हमें बताएंगी कि वो दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं ला सकते। मैं बेटे अभी आपसे बात करता हूं। आपको बेटे बिजनेस के अंदर अपने प्राइमरी गोल को पूरा करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको मैंने नाम दिया है 3 M's। ये 3 M कौन कौन से हैं, आपको किन चीजों की जरूरत है बेटे? फर्स्ट मैन, सेकंड मन और थर्ड मटेरियल। आपको बेटे इन 3 M's की जरूरत है अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन to achieve its primary goals। और सर ये तीनों एम जब मिलकर काम करेंगे तो हमारे को 3 E's का बेनिफिट देंगे। वो 3 E's कौन कौन से हैं? बेटे फर्स्ट ई इकोनॉमी, सेकंड एफिशिएंटली और थर्ड इफेक्टिवनेस। अब आप देखें बेटे, आपको इन तीनों चीजों को अचीव करना है, इन 3 E's को अचीव करना है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक आदमी काम कर रहा है, मैन पावर आपके पास नहीं है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल। प्रोप्राइटरशिप के बाद अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें बेटे, वहां पर भी यही प्रॉब्लम है। वहां पर भी क्या है बेटे, मैन पावर ज्यादा नहीं, लिमिटेड कैपिटल है, जितने वो 4, 5, 10 लोग मिलके ला सकते हैं वो लिमिटेड कैपिटल, और बेटे मटेरियल भी वहां पर लिमिटेड। तो जहां पर बेटे इन तीनों चीजों की कमी आ जाएगी, वहां पे आप वो आगे आने वाले 3 E's को अचीव नहीं कर पाएंगे। बेटे वो 3 E's कौन कौन से थे? इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। यहां तक आप लोग नोट करें, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। बच्चे साथ साथ नोट करें, बिना बात करें। मैं भी यहां पर आपको लिखवाऊं। द अफोरसेड shortcomings are related to these 3 M's। in the sense of
इन द सेंस डेट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ enterprises suffered from following drawbacks first limited capital limited skilled manpower skilled manpower और बेटे प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बेटे इस वजह से ये जो आपके सामने खामियां आई ये जो आपके सामने हम लोगों ने इसके ड्रॉबैक्स लिखे बेटे इन्हीं वजह से हमारे सामने एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस आई जिसका नाम आया कंपनी बेटे जिसके नाम पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी का जन्म हुआ बेटे विद अ व्यू टू ओवरकम From these defects the concept of company the concept of company was born which therefore represents the third stage in the evolution of business organization beta iski wajah se hamare paas third stage of business organization aayi jisko hum logo ne bola company yahan tak likhenge aap sab log yes sir आप लोग बात ना करें बस मेरी बातों को सुनते जाएं शांति से और अपने आप को अनम्यूट रखें पहले सारी बातें खत्म होने दें उसके बाद जो डाउट आएगा हम उस पर चर्चा करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डाउट ना आए अगर मीटिंग ओवर होती है बेटे पढ़ाते पढ़ाते तो आप जल्दी से नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे आप टाइम नहीं लगाएंगे स्टार्ट कर रहे हैं देखिए बेटे
मान लो बच्चों, ये हमारे पास कंपनी है, फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। अभी हमने आपको कहा कि हम लोगों को इस कंपनी को रन करने के लिए, इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है, जो कोई भी इंडिविजुअल 5, 10, 15 लोग मिलकर नहीं ला सकते। तो बेटे, हमें इस कैपिटल को कलेक्ट करना है, प्रिक्योर करना है, और इस कैपिटल को प्रिक्योर करने के लिए हमें पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, हमें अपने बारे में पब्लिक को बताना पड़ेगा। हम बताएंगे पब्लिक को, जाकर अपने प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे, उनको बोलेंगे कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं। बेटे मान लो यहां पर बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, और बेटे हम कहते हैं कि ये सारे हमारी कंपनी के ऑनर हैं। अभी आप सुनते जाए, ये सारे हमारी कंपनी में ऑनर है। बेटे मैं, ये सारे लोग हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, बेटे सब हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, और आप लोग अपने बचपन में पढ़कर आए हैं कि जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स कहा जाता है। सर आप ये अब कब तक बनाते रहेंगे? नहीं बेटे, मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लिख दूंगा, क्योंकि ये तो अनगिनत है, अनलिमिटेड। बेटे इनकी तो कोई लिमिट हो ही नहीं सकती। इनको हमने कहा अपनी कंपनी का शेयर होल्डर, अंशधारक, ये हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स। इन्होंने बेटा मिलकर इस कंपनी में कैपिटल लगाई। तो सर ये सारे इस कंपनी के ऑनर हैं। हाँ बेटा, तो सर ऑनर जब बनेगा, जब हमें किसी कंपनी का ऑनर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम किसी भी कंपनी में ऑनर कैसे बनेंगे? सारे लोग कैसे बने इस कंपनी के ऑनर? बेटा इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस कंपनी के शेयर को परचेज किया। सर शेयर क्या होता है? बेटे शेयर कुछ नहीं होता है, शेयर एक कागज का टुकड़ा होता है, शेयर एक कागज का टुकड़ा है। बच्चों आप ध्यान से देखिए, ऐसे एक कागज का टुकड़ा है, उस पर लिखा होता है बेटे शेयर सर्टिफिकेट। यहां पे शेयर होल्डर का नाम, उसका एड्रेस, वो कितने शेयर्स लेना चाहता है, नंबर ऑफ शेयर्स, और बेटे यहां पे इस जगह पर कंपनी के साइन होते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि कंपनी की स्टैंप होती है। कंपनी की स्टैंप होती है बेटे, इसके ऊपर शेयर का प्राइस भी लिखा होता है। मान लो 10 रुपए पर शेयर, ये इसके ऊपर लिखा होता है, इस पेपर पे लिखा होता है, इस कागज के पन्ने पे लिखा होता है। तो जो बेटे ये 10 रुपीज पर शेयर इस कागज के ऊपर लिखा है, इसको शेयर की फेस वैल्यू कहते हैं, उसके फेस पे लिखा हुआ है। ये बेटे शेयर की फेस वैल्यू है, जो उस कागज के टुकड़े पे लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, उसको बेटे फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है सर। अब बेटे ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग, जिसके पास जितनी पूंजी जिसको लगानी,
वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदता है। मान लो बेटे इसने इस कंपनी के 20 शेयर्स खरीदे, यानी सर 10 × 20 200 रुपए लगाए। सर मान लो इसने इस कंपनी के 100 शेयर खरीदे, तो बेटे 10 × 100 इसने कंपनी में 1000 रुपए लगाए। इस तरीके से बेटे ये अपने अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, और ये सारे लोग हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, हमारी कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आई। बेटे इस कंपनी के अनेकों अनेक ऑनर होते हैं, और उनके पास क्या होता है बेटे, उनके पास कंपनी के शेयर होते हैं, उनके पास कंपनी के शेयर होते हैं। अब बेटे आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो ये सारे शेयर होल्डर्स, ये सारे हमारे शेयर होल्डर्स कंपनी के गेट पर पहुंच गए बेटे यहां पर, और गार्ड को कह रहे हैं गेट। मान लो बेटे ये सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के गेट पर पहुंच जाएं, और वहां पे जाकर गार्ड को बोलें कि जल्दी से गेट खोलो। गार्ड कहता है आप कौन हैं? वो कहते हैं हम कंपनी के मालिक हैं। और बेटे आप देखो कि अगर ये कंपनी के गेट पर पहुंच गए और ये सारे यहां इकट्ठा हो जाएं और कहें हम इस कंपनी के मालिक हैं, हम इस कंपनी को चलाएंगे, हम इस कंपनी को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, बेटे सब लोग ये पहुंच गए। जब ये सारे लोग यहां पर पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि हम इस कंपनी को चलाएंगे बेटे, हम इस कंपनी को खुद रन करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे लोग मिलकर, अनेकों अनेक लोग मिलकर एक कंपनी को कैसे चलाएंगे? सर यहां तो फिर अब प्रॉब्लम हो गई। नहीं बेटे, प्रॉब्लम नहीं हुई यहां पर, प्रॉब्लम नहीं हुई यहां पर। अब क्या होगा यहां पे बेटे? अब सरकार इनको क्या कहेगी? सरकार ये कहेगी, हमारे यहाँ पे चलने वाला लॉ ये कहेगा कि आप सब लोग मिलकर कंपनी नहीं चला सकते, इतने सारे मालिक एक साथ कंपनी कैसे चलाएंगे? तो आप लोग क्या करें, जैसे किसी देश को चलाने के लिए इलेक्शन होता है, वहां पर बहुत सारे एमपीज चुनकर आते हैं, अलग अलग स्टेट से एमपीज आते हैं, और बेटे वो सारे एमपीज मिलकर अपने एक राजनेता का चुनाव करते हैं, अपनी पार्टी के प्रमुख का चुनाव करते हैं। जैसे बेटे आप देखो, अभी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे एमपीज चुनकर आए, बीजेपी की सरकार बनी, और बेटे उन एमपीज ने मिलकर उस सरकार को चलाने की जिम्मेदारी एक पर्सन को दी, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि साहब ये जो पर्सन है ये हमारी सरकार को चलाएंगे, यानी उन सबको लगा वो एक प्रतिभाशाली इंसान है, वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो इस सरकार को चला सकते हैं, हमारे देश को चला सकते हैं। उसी तरीके से बेटे यहाँ पे ये जो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सारे शेयर होल्डर्स मिलकर, ये सब लोग मिलकर बेटे, ये सारे शेयर होल्डर्स मिलकर यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होता है तो ये इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट का क्या मतलब है बेटे? ये लोग यहाँ पर चुनाव करते हैं, ये लोग यहां पर चुनाव करते हैं, और बेटे अपने में से ही, इनमें से ही कुछ प्रतिभाशाली लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, टेक्निकल लोगों को चुन के आगे लाया जाता है बेटे, उनको चुनकर आगे लाया जाता है, और ये लोग मिलकर उनका चुनाव करते हैं। और बेटे इन लोगों को, ये जो चुनाव होकर इलेक्ट होकर लोग आते हैं, इनको कहा जाता है कंपनी का डायरेक्टर। ये कंपनी के डायरेक्टर होते हैं बेटे, और ये सब लोग, ये जो डायरेक्टर्स यहां पर आए बेटे, ये जो डायरेक्टर यहां पर आए, ये सारे डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं बेटे, ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स ऑनर। सर ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, प्रतिभाशाली हैं, टेक्निकल हैं, और इन सब मालिकों ने, इन सब लोगों ने चुनाव कर इनको भेजा है, चुनाव कर इनको भेजा है। ठीक है सर। सर फिर हमारे मन में एक और विचार आ रहा है कि ये जो हम इलेक्ट करके लोग भेज रहे हैं सर, ये सारे लोग
जो इस कंपनी के ओनर हैं, इनको अपने पैसे का दुख है, इनको अपने पैसे की चिंता है, इनको तो सबके लिए काम करना है। क्या ये अच्छे से काम करेंगे? क्या ये इस तरीके से काम करेंगे कि इन सारे शेयर होल्डर्स को आगे जाकर प्रॉफिट हो? बेटे आप पहली बात तो ये समझो कि ये जो डायरेक्टर्स यहाँ पर आए हैं, ये भी तो शेयर होल्डर्स के बीच में से आए हैं, ये भी तो ये चाहेंगे कि इन लोगों को प्रॉफिट हो। ये कोई बाहर से थोड़ी आ गए डायरेक्टर्स, ये भी तो इन्हीं के बीच से इलेक्ट होकर आए हैं। और दूसरा बेटा, कंपनी को चलाने के लिए हमारी सरकार ने कंपनी एक्ट बनाया है, जो पहले बनाया गया था 1956 में, बेटे अब वो चेंज हो गया है, अब नया कंपनीज एक्ट आ गया है। और बेटे कंपनीज एक्ट 2013 इनेक्ट हो गया है। अब हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें तो ये पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे अलग-अलग नियम बनाए गए हैं कंपनी को चलाने के लिए, डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए, डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे। तो बेटे यहां पर हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इस लॉ के थ्रू इन सब चीजों पे निगरानी रखती है कि कौन सी कंपनी कैसा काम कर रही है, कौन सी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, वहां पे शेयर होल्डर्स का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो बेटे ये सारी बातें यहां पर देखी जाती हैं। ओके सर, आगे सुनो बेटे। जब ये सारे डायरेक्टर्स मिलकर काम करते हैं, ओनर के लिए काम करते हैं, ये लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, तो जब कंपनी आगे जाकर प्रॉफिट कमाती है, कंपनी मान लो बेटा 1 साल के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो बेटे ये जो प्रॉफिट होता है ना, इसके 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रॉफिट के 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। क्या क्या बेटे? सबसे पहले इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है। उसके बाद बेटा ये शेयर होल्डर्स मीटिंग करते हैं और अपने लिए डिविडेंड डिसाइड करते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है। और बेटे कुछ प्रॉफिट को आगे अनफोर्सीन फैक्टर्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बेटे हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, फ्यूचर के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो बेटे फ्यूचर को देखने के लिए हम लोग अपने पास कुछ रिजर्व्स रख लेते हैं, जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स भी शेयर होल्डर्स की होती हैं, बस ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व की तरह कंपनी में रहती हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व की तरह कंपनी में रहती है। तो बेटे प्रॉफिट के 3 पार्ट कर दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है सर, अब हम आगे की बात करेंगे। बेटे पहले यहां तक आपको समझ में आया कि इन दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम लोग कंपनी को लेकर आए, कंपनी का जन्म हुआ, कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, जिसको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। शेयर होल्डर्स मतलब शेयर मतलब बेटे शेयर सर्टिफिकेट, जहां पे कंपनी के एक शेयर की वैल्यू लिखी होती है। ये शेयर होल्डर्स अपने अकॉर्डिंग इन शेयर्स को खरीदते हैं, जितना पैसा जितना रिस्क उनको मार्केट में लेना होता है। अपने में से बेटे इलेक्ट करके कुछ लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, टेक्निकल लोगों को चुनाव करके डायरेक्टर्स बनाते हैं। वो डायरेक्टर इन ओनर्स के लिए, इन शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं। और बेटे इन शेयर होल्डर्स के लिए काम करने पर आगे जाकर जब वो प्रॉफिट कमाती है कंपनी, तो उस प्रॉफिट के 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। पहला गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया जाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जाता है, डिविडेंड हो जाता है, और तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के तौर पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होते हैं, जो रिटेन अर्निंग्स के तौर पर कंपनी में रहते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आई। बेटे अगर आपको हमारी बात समझ में आई है, तो अब आप लोग यहां पर कंपनी की एक छोटी सी पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद मैं आगे चलता हूं। कंपनी, इज एन, कंपनी इज एन
आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सी। ये हमें डेफिनेशन दी प्रोफेसर हनी। अब बेटे मैं आपको इस डेफिनेशन को आराम से समझाऊंगा और फिर लिखवाऊंगा। पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा और फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। बेटे फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया, फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ बेटे, कंपनी को बनाया जाता है, कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी को बेटे हम लोग कागज में बनाते हैं, कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं और हर कंपनी का अपना एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं किंगफिशर। तो बेटे आप सिर्फ इस कंपनी को इस नाम से जानते हैं, आप इस कंपनी को बेटे छू नहीं सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते कि साहब ये कंपनी है। कोई नेचुरल पर्सन आपके सामने खड़ा है, सर ये रही कंपनी, ऐसा नहीं है बेटे। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको आप उसके नाम से जानते हैं। सर ये कंपनी बनती कैसे है, बनाया कैसे जाता है? बेटे क्रिएटेड बाय लॉ, इसको देश का कानून बनाता है। हमारी कंपनी के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 है, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो बेटे आपको लॉ के अंदर लिखी हुई बातों को पूरा करना है, लॉ के अंदर कंपनी बनाने के प्रोविजंस को पूरा करना है और आप कंपनी को बना सकते हैं। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चों, जिसको उस देश का कानून बनाता है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आगे लिखा है बेटे हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सर इसका क्या मतलब है? बेटे मैं अभी आपको समझाता हूं सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। बेटे प्रोप्राइटरशिप में ये रामलाल है, बेटे रामलाल के साथ उसके कस्टमर का झगड़ा हो गया, उसके कस्टमर का डिस्प्यूट हो गया, बेटे इस कस्टमर ने रामलाल के बिजनेस के अगेंस्ट केस कर दिया, उसके ऊपर सीव कर दिया बेटे कोर्ट में जाकर। तो कोर्ट इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए किसको बुलाएगा बेटे? रामलाल को बुलाएगा। यानी रामलाल और उसका बिजनेस यहां पर एक तरीके से सेम हो गया। कस्टमर से लड़ाई हुई, कस्टमर ने उसके अगेंस्ट केस किया, कोर्ट में जाकर सीव किया, कोर्ट वहां पर बेटे रामलाल को बुला लेगा, रामलाल को कहेगा आप आइए और हमें जवाब दीजिए। बेटे ऐसे आप समझे बच्चों, ये दो पार्टनर हैं रामलाल मोहनलाल, रामलाल और मोहनलाल। बेटा इन दोनों का अपने कस्टमर से झगड़ा हो गया, कस्टमर से डिस्प्यूट हो गया। अब बेटे इनके कस्टमर ने जाकर कोर्ट के अंदर जाकर केस कर दिया, इनके अगेंस्ट सू कर दिया। तो बेटे कोर्ट किन दोनों को बुला लेगा? रामलाल और मोहनलाल को, क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहे हैं, कहेंगे दोनों पार्टनर्स आए और हमें जवाब दें। लेकिन बेटा ये चीज कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सर किंगफिशर कंपनी के जो मालिक थे, बेटे आप देखो जरा वहां पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे और वो कंपनी विजय माल्या की थी। कंपनी ने नुकसान किया, कंपनी ने फ्रॉड किया,
उनके शेयर होल्डर्स ने, उन कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जो केस किया ना बेटे, वो इस कंपनी के खिलाफ किया, किंगफिशर के खिलाफ। किंगफिशर कंपनी उनका पैसा लेकर भागी बेटे, किंगफिशर कंपनी ने उनके पैसे को बेटे मार्केट में बर्बाद किया, यानी उन्होंने केस किया किंगफिशर कंपनी पर, उन्होंने विजय माल्या पर केस नहीं किया बेटे। उनको अधिकार नहीं है विजय माल्या पे केस करने का, उनको अधिकार है कंपनी पे केस करने का। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी में कंपनी काम करती है, कंपनी के ऊपर केस किया जाएगा बेटे, कंपनी के ऊपर केस किया जाएगा अगर शेयर होल्डर्स को कोई भी नुकसान होता है तो। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट करता है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पर्सन के साथ आ सकती है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो बेटे यहाँ पे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर्स खरीद रहे हैं किंगफिशर कंपनी का, वो विजय माल्या का शेयर नहीं खरीद रहे, वो किंगफिशर कंपनी का शेयर खरीद। तो अगर बाद में जाकर कंपनी इनके साथ फ्रॉड करती है, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड होता है, तो ये शेयर होल्डर्स किंगफिशर कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं बेटे। किंगफिशर कंपनी के शेयर्स उनके पास हैं, वो वहां पर जाएंगे और कहेंगे कि साहब हमारे शेयर्स जो हमने किंगफिशर कंपनी के खरीदे थे, उस कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो कोर्ट एडमिसिबल करेगा उनकी बात को और किंगफिशर कंपनी के अगेंस्ट केस करेगा, विजय माल्या के अगेंस्ट कोई बात नहीं। ठीक है सर, इसको कहा जाता है बेटे सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी मैं इसको डिटेल में भी लिखवाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट आया बेटे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है बेटे कंपनी हमेशा चलने वाली व्यवस्था है। आप समझे बेटे, भारत देश के अंदर अलग अलग सरकारें आई, उन सरकारों के अलग अलग राजनेता आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए कांग्रेस सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनकर, बेटे वो चले गए। ऐसा थोड़ी है कि हमारा देश रुक गया या उनकी कांग्रेस पार्टी रुक गई, वो आगे चल रही। बेटे इंदिरा गांधी फिर आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, संजय गांधी आए, अब सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। बेटे ये सारे राजनेता बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन राजनेताओं के जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पार्टी या देश रुक जाता है। ऐसे बेटे किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स आते हैं जाते हैं, वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स की मृत्यु भी हो जाती है तो उनके शेयर्स उनके आगे नॉमिनी को चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन किसी भी शेयर होल्डर के आने पर और उसके जाने से, उसकी मृत्यु होने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कंपनी रेगुलर चलती रहती है, कंपनी अपना काम चलती रहती है, उसके शेयर होल्डर्स बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात को समझें, मान लो बच्चों मैंने आज से 5 साल पहले HDFC बैंक के शेयर्स खरीदे, मैंने HDFC के शेयर्स खरीदे बेटे। मान लो मैंने एक शेयर 500 रुपए का खरीदा और मैंने 100 शेयर खरीदे बेटे। मान लो बेटे मैंने एग्जाम्पल लिया 500 रुपए का एक शेयर और मैंने बेटे 100 शेयर्स खरीदे, तो मैंने HDFC के ऊपर 50,000 रुपए लगाए। बेटे बात नहीं करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने 50,000 रुपए HDFC कंपनी पे लगाए, HDFC के शेयर्स खरीदे। बेटे 5 साल के बाद, मान लो 5 साल के बाद मेरे उन शेयर्स की वैल्यू 5,00,000 रुपए हो गई। 5 साल के बाद मेरे पास उन शेयर्स की वैल्यू 5,00,000 रुपए हो गई। बेटे मैंने अपने शेयर्स मार्केट में जाके सेल कर दिए, अब उनका मालिक बन गया मोहनलाल। तो बेटे पहले वो मेरे पास थे शेयर्स, 5 साल के बाद अब उन शेयर्स का मालिक बन गया मोहनलाल, मैंने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए मोहनलाल को। तो देखो अब मैं वहां शेयर होल्डर नहीं रहा, तो क्या मेरे शेयर होल्डर ना रहने की वजह से HDFC कंपनी बंद हो गई, HDFC बैंक बंद हो गया? नहीं सर, आपने अपने शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिए, अब आपकी जगह पर वो आ गए। तो बेटे ऐसे कंपनी के शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं, वो अपने शेयर्स को खरीदते बेचते रहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी उसकी जगह आ जाता है, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है बेटे, परपेचुअल सक्सेशन में होती है, कभी नहीं रुकती, कंपनी हमेशा आगे चलती रहती है। एंड अ कॉमन सील, बेटे कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी की स्टैंप, कंपनी की स्टैंप। बेटे जो कंपनी की स्टैंप होती है वो हर पेपर के ऊपर कॉमन होती है, कंपनी के रिलेटेड सारे पेपर्स के अंदर वो स्टैंप कॉमन होती है। बेटे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टैंप का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग मान लेते हैं किसी स्कूल के अंदर है और उस स्कूल के अंदर आप सब विद्यार्थी फीस देते हैं,
आपको जो फीस स्लिप मिलती है ना हर विद्यार्थी को बेटे, वो सेम मिलती है, आपके स्कूल की स्टैंप भी सेम लगती होगी उसके ऊपर। तो कंपनी की जो स्टैंप होती है बेटे वो सेम होती है, कंपनी की स्टैंप सेम होती है जो हर कागज पे कंपनी के रिलेटेड हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाई जाती है। तो कॉमन सील का मतलब होता है स्टैंप, या हम बोल सकते हैं कंपनी के साइन, या हम बोल सकते हैं कंपनी के साइन। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट करता है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन में रहती है, और एक अपनी कॉमन सील होती है। ठीक है सर, हमें आपकी बात यहां तक समझ में आई बेटे। अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई है तो अब सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें, साथ साथ लिखेंगे जिससे कि हम लोग आगे पीछे ना रहें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चे फीचर्स ऑफ अ कंपनी। पॉइंट नंबर वन, सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स हु हैव फॉर्म्ड इट। It is an artificial person created by law created by law and can enter into contracts like other person. Point number two. Perpetual succession company is an artificial person. Company is an artificial person created by law. So, the change in profile of its members
डज नॉट अफेक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, हाउएवर इट कैन बी वाइंड अप बाय लॉ. नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सी एवरी डॉक्यूमेंट एवरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर in the name of the company must bear its common seal, which act as its official signature. B, an artificial person only this signing process is carried out by its agents called directors. कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन, उसके डॉक्यूमेंट्स के साइन करने की जिम्मेदारी किसको मिल जाती है? डायरेक्टर्स. कंपनी बेटे उसके ऊपर, डायरेक्टर्स उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी. बेटे हर शेयर होल्डर की अपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी, वो जितने शेयर्स खरीदेगा उसकी उतनी लाइबिलिटी है बेटे, वो उससे ज्यादा लाइबिलिटी उसकी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, इसने अगर 20 शेयर्स खरीदे तो इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 200 रुपए, इसने अगर 100 शेयर खरीदे इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 1000 रुपीज. मान लो इस शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर है, तो बेटे इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है 10,000 रुपए. तो आप जितने शेयर्स खरीदते हैं उस शेयर्स को जब हम कंपनी के शेयर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बेटे आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. आपको सिर्फ उतना ही पे करना है, उससे ज्यादा कभी आपको पे नहीं करना. आपने बेटे उसी के प्रपोर्शन में शेयर्स खरीदे होते हैं तो आपकी लाइबिलिटी शेयर्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी. लिखिए बेटा जल्दी.
लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड, टू द अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब बाय ईच ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल if on a share of rupees 100 a shareholder has paid rupees 60 then he will be liable to pay only rupees 40. उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 100 रुपए की है, अगर वो 60 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है तो अब बेटे उसकी लाइबिलिटी 40 रुपीज की। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। Transferability of shares shares of a company are freely transferable without restrictions in the case of public company और हम लोग बेटे public company की ही बात कर रहे हैं and लेकिन हम लोग बेटे public company ही पढ़ रहे हैं अभी and with restriction in case of private companies point number 6 management and ownership management and ownership a company is not managed by all the members matlab bete shareholders but by their elected representatives called directors. ठीक है,
टुडे नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ अ कंपनी। सर हाँ बेटा सर आप क्लास के काइंड्स ऑफ अ कंपनी kinds of a company। बेटे मैं आपके साथ कंपनी के अलग अलग काइंड्स को डिस्कस करूंगा और ये हमारे लिए जब से करना इम्पोर्टेंट हो गया है, जब से बेटे आपके सिलेबस में MCQ स्टार्ट हो गया, अब वहां पे हमें सारी बातें बतानी पड़ेंगी वरना कौन सा MCQ किस कॉन्सेप्ट को उठा ले तो वो आपके लिए दिक्कत होगी। पॉइंट नंबर वन, मैं आपको समझाता भी जाऊंगा साथ साथ लिखवाता भी जाऊंगा। कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट नंबर वन, इनकॉर्पोरेशन। पॉइंट नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेटे यहां पे हम तीन तरह की कंपनीज की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे जो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे बनाई जाती। पॉइंट नंबर वन, चार्टर्ड कंपनीज, दीज कंपनीज फॉर्म बाय ए स्पेशल चार्टर बाय द किंग फॉर एग्जाम्पल। बेटे बहुत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर ये चीजें चलती थी, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तब बेटे उसके चार्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेचुटरी कंपनीज जिसके लिए अलग से लॉ बनाना पड़ता है, जिसके लिए अलग से एक्ट बनाना पड़ता है, उसको स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस कहा जाता है। जैसे कि RBI, इंडिया में बैंकिंग एक्ट अलग से बनाया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग से बनाया गया है बैंकिंग सिस्टम के लिए, वो बेटे स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है। दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट of the legislature for example RBI। next point, registered companies, sari companies registered companies hoti hain, registered companies, these companies are formed by registering under the Companies Act 2013
these companies are formed. By registering under the Companies Act 2013 or any other previous applicable act. Example, Reliance Company, Tata Motors, etc. Next point. Point number two. On the basis of incorporation, तीन companies मैंने आपके साथ discuss करे. Next point, on the basis of liability, on the basis of liability. Point number one, जो मैंने अभी आपके साथ पहले discuss किया, companies limited by shares, जो मैं आपको example ऊपर देकर आया था. वो यहां लिखवाऊंगा. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 of the Companies Act 2013, a company having the liability of its members limited by the amount. Unpaid on shares respective. जो example मैंने आपको ऊपर दिया था कि 100 रुपीज का शेयर है, 40 रुपीज 60 रुपीज पे हो गए हैं, बाकी अनपेड उसकी liability. Here 100 रुपीज का शेयर है, 60 पेड अप है, तो 40 अनपेड liability है जो उसके लिए maximum है, maximum 100 रुपीज की liability. Companies limited by shares. Next point. Unlimited liability. Unlimited liability company. बेटे यहां पे क्या है कि अगर मान लो कभी कंपनी वाइंड अप हो रही, कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप की जा रही है, और कंपनी के डेब्ट्स बहुत ज्यादा हैं, जो कंपनी के एसेट्स को बेचकर वापस नहीं हो रहे, तो यहां पर बेटे जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी पर्सनल एसेट्स को बेचकर उनको पैसा दिया जाता है, यानी उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है बेटे. उनसे फिर पैसा मंगाया जाता है वाइंडिंग अप के टाइम पर, अगर उनके डेब्ट्स नहीं बेटा पूरे हो रहे. कंपनी के डेब्ट्स हैं, कंपनी के डेब्ट्स हैं मान लो 5 करोड़ के, एसेट्स हैं हमारे पास 4 करोड़ के, 1 करोड़ रुपया कम हो गया, तो वो 1 करोड़ रुपया मेंबर्स की प्राइवेट एसेट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर पूरा किया जाएगा बेटे. उसको कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का. सेक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 92
of the Companies Act 2013. It is a company where the liability of its members is unlimited. It means in the event of winding up the debt of the company, shall be met from the private property of the member. But the next point, third point, company limited by guarantee. बेटे यहां पे इंडिविजुअल मेंबर कंपनी को गारंटी दे देता है कि वाइंड अप के टाइम पर मैं कम से कम इतना पे कर दूंगा। मान लो एक शेयर होल्डर है ए, उसने कहा कि मैं आपको कम से कम 5 लाख रुपए की गारंटी देता हूँ। बी कहता है मैं आपको 2 लाख की गारंटी देता हूँ। सी कहता है मैं आपको 10 लाख की गारंटी देता हूँ। तो ये वो कंपनी है जो बेटे लिमिटेड होती है बाय गारंटी ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 21 of the Companies Act 2013. It is a company having the liability of its members limited by the memorandum of association to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up. मैं यहां पे बैठे सितारा बना रहा हूं एक इंपॉर्टेंट नोट के लिए। ऑल कंपनीज डू नॉट हैव
शेयर कैपिटल ओनली, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैव शेयर कैपिटल।